ट्रैफिक लाइट है 9 फरवरी 1968। बाप दादा का विचार होता है बच्चों से एक सेकंड में लिखा कर ले ले वे कि किसकी याद में बैठे हो। ये लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है। हर एक सेकंड में लिखकर बाबा को दिखा कर के जावे। सभी ने लिखा और बाप दादा को दिखाया, बाबा ने भी लिखा। बाबा ने जो कुछ लिखा तो और कोई नहीं लिखा। बाबा ने लिखा अलग और भी देखो बाबा कितने सेकंड में लिखा अलग और भी, और कितना सहज है अलग माना बाबा बेमाना बात का ही। बाबा पढ़ाते हैं और तुम राजा हिसाब से करते हो, और जास्ती कुछ भी लिखने की दरकार नहीं है। तुमने तो लिखने में 1-2 मिनट भी लगाया, परंतु अलग और वे सेकंड की बात है। सन्यासी लोग अलग को क्या याद करेंगे, तुमको तो राजा ही भी याद है। जो हिल जाते हैं बुद्धि में बैठा हुआ है तो बुद्धि का पारा चढ़ता रहे। अलग का तो फिर कितना बड़ा है, अलग माना हाईएस्ट चोटी। उनसे ऊपर कोई चीज है नहीं, ऊंक से ऊंक रहने का स्थान है। ये कोई मनुष्य थोड़े ही जानते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति का तो कुछ होगा, बच्चा पैदा होता है तो सब लिखते हैं इतने घंटे इतने मिनट इतने सेकंड में जन्म लिया। टिक टिक चलती है ना, होनी चाहिए। परंतु अवस्था तब होगी जब याद करते रहेंगे। यहाँ बैठे हैं तो बाप और राजा ही याद आनी चाहिए। जी देखती है जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है, आत्मा ही देखती है। बाप को याद करती होगी, तुम भी बाप को याद करो तो राजा ही भी कच्ची याद आवेगी। तुम्हें कितनी देरी लगती है, और याद में तो रहना ही है, सेकंड की भी बात नहीं है। यहाँ बैठे बैठे भी बाप की याद में तुम बहुत गदगद होते रहेंगे। बाबा देखो इस खुशी में बैठे हैं ना, बाबा को तो यहाँ की कोई बात याद नहीं, याद करते ही है वहां की बात है। बाबा और राजा जैसे कि दर पर खड़ी हुई है राजा। बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए राजा लेकर के आया हो, तुम सिर्फ याद नहीं करते हो इसलिए खुशी नहीं ठहरती है। मुख्य ही याद की यात्रा,
उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ बाप कहते मुझे याद करो। अपन को आत्मा समझ बाप और बच्चों को याद करो, कितना ऊंचा है, तुम कहाँ रहते हो, दुनिया थोड़ी जानती है। मनुष्य मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। अभी मुक्ति धाम कहाँ है तुम समझते हो? क्या समझते हो मुक्ति धाम कहाँ है? देह के बंधन में आत्मा है तो मुक्त कहेंगे। मुक्ति धाम है ही वहाँ जहाँ पांच तत्वों का कोई गम नहीं है, पांच तत्वों का कोई बंधन ही नहीं है। आत्मा तो जैसे रॉकेट है, एक सेकंड में पांच तत्वों से परे हो सकती है। लोग तो करके चंद्रमा तक जाते हैं, फिर पोलार, और तुम तो पोलार से भी ऊंचे चले जाते हो। चंद्रमा तो इस दुनिया का है। कैसे चंद्रमा इस दुनिया का कैसे है? जाता है सूरज चंद्र से भी पार और आवाज से भी परे। इस शरीर को भी छोड़ देना है, तुम जाते ही हो शिव साइलेंस होम। वहां आने जाने में टाइम नहीं लगता है, अपना घर है ना। यहां तो कहां भी जाओ टाइम लग जाता है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो कहाँ की कहाँ चली जाती है एक सेकंड में। एक शरीर छोड़ दूसरे में जाए प्रवेश करती है। तो अभी अपन को आत्मा समझना, तुम बहुत ऊंची चोटी पर जाते हो। मनुष्य शांति चाहते हैं, शांति की हाइएस्ट है ही निराकारी दुनिया और सुख की हाइएस्ट ज्योति है। ये ऊंच से ऊंच टावर है। ऊंच से ऊंच टावर कहा जाता है ना, तो तुम्हारा घर भी कितना ऊंचा है। दुनिया कभी इन बातों पर ख्याल नहीं करती है, और उनको समझाने वाला तो कोई है नहीं। तो उसको कहा जाता है शांति का टावर। मनुष्य विश्व में शांति शांति करती रहती, विश्व में शांति हो जाती, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते। बल जवान मनुष्य की है, परंतु एक्ट जानवरों में चल। इसलिए मनुष्यों की बंदर के साथ बैठ की जाती है, और विकार भी उन बंदरों में जाती होता है, बहुत हवसी होता है। वो हवस भी विकार है ना। देवताओं में तो हवस हवा लोभ आदि होता ही नहीं है। वहाँ का खान पान, बोलना करना, उठना बैठना बड़ा राइल होता है, और फिर सुख भी है। आई एस पावर टावर, हाईएस्ट टावर में किसका राजी होता है? नर से नारायण बनते हैं, उनका राज्य होता है। ये लक्ष्मी नारायण टावर में है ना,
तीनों की कितनी महिमा है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, और ये एक तो नहीं है, इनके साथ माला भी बनी हुई है, वास्तव में नवरत्न गाए हुए हैं। इन्होंने जरूर गुप्त मेहनत की होगी, अंदर में बाप और वर्षा याद रहे। यही बातें अंदर में अपन जपना है, बाप को याद करने से भी कभी नाश होंगे, माया ये याद भी नहीं जपने देती, बहुत शैतानी कराती है, कब क्रोध कब लोभ कब मोह, बहुत प्रकार के तूफान आते हैं। 9-2-8 की वाणी का दूसरा पेज, अपनी नब्ज आते ही देखनी है। नारद को भी कहा जाता है अपनी शिकल देखो, वो अवस्थन अभी नहीं है, बनानी है। बाबा एम आप जस्ट तो जरूर बता देंगे, अंदर में पुरुषार्थ करते हो, आगे चल करके वो अवस्था तुम्हारी हो जाएगी। शरीरी होने की प्रैक्टिस करते रहो, मैं आत्मा हूँ, अब जाना वापस है। बाबा ने कहा मुझे याद करो, याद नहीं करेंगे तो सजा भी खानी पड़ेगी, और जितनी सजा खानी पड़ेगी उतना पद कम हो जाएगा। ये बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं, वो साइंस में कितना डीप जाते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं, वो भी संस्कार तो चाहिए ना, जो फिर वहां भी जाकर के वो चीजें बनावेंगे। सिर्फ यही दुनिया है जो बदली होनी है, और कोई दुनिया नहीं है, यहाँ के संसार के अनुसार ही वहाँ जाकर के जन्म लेंगे। जैसे लड़ाई वालों की बुद्धि में लड़ाई का ही संस्कार रहता है, तो वो लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं, लड़ने बगैर रह नहीं सकेंगे। आप ही सबके पास बड़ी क्यों लगी रहती है, एक एक की जांच करते हैं, कोई इनमें बीमारी तो नहीं है, इनका इनकी आंख इनका कान आदि सब ठीक तो है, लड़ाई में तो सभी अंग ठीक चाहिए, इसमें भी दिखाया जाता है कौन विजयमाला के दाने बनेंगे, जो कर्मातीत अवस्था को पावेंगे। आत्मा नंगी आई थी, नंगे जाना है, वहां शरीर का कोई संबंध नहीं होता, तो ऐसे अशरीरीपने के संस्कार अभी धारण करने हैं, अशरीरी बनना है। आत्माएं वहां से ही आती हैं, जहां शरीर नहीं होता, यहाँ आकर के शरीर में प्रवेश करती हूँ। ढेर की ढेर आत्माएं आती रहती है, सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जो नई नई प्योर आत्माएं आती हैं, उनको जरूर पहले सुख मिलेगा, सुख मिलता है, इसलिए उनकी महिमा होती है। ये बड़ा जहर है ना, कितने नामी ग्रामी बड़े बड़े आदमी हैं, अपनी अपनी ताकत के अनुसार बड़े ही सुख में रहेंगे,
तो अब बच्चों को ये ताकत धारण करने की मेहनत करनी है। परमातीत अवस्था में प्योर होकर के जाना है, अपनी चाल को भी देखना है, किसको दुख तो नहीं देते हैं। देखो बाप कितना मीठा है, मोस्ट बिलवड है ना, तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। ये तुम जानते हो बाप यहाँ है, मनुष्यों को थोड़ा ही मालूम है कि बाप यहाँ स्थापना कर रही है। फिर भी जन्म जन्मांतर उनको याद करते आते हैं, शिव के मंदिर में जाए कितनी पूजा आदि करते हैं, पूजा करने के लिए कितनी ऊंची चोटी पर जाते हैं। इतना याद करते हैं क्योंकि इतना मीठा है, गाते भी हैं ऊंचे ऊंचे भगवान, बुद्धि में निराकार ही याद आवेगा। और निराकार तो संपूर्ण एक ही है। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, क्या निराकारी स्थिर धारण करने वालों में सबसे ऊंची से ऊंची, एक शिव, उसके बाद सूक्ष्म वचन में तीन तबके दिखाए हैं, उनके नाम दिए हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। जरूर उनकी भी निराकारी स्टेज नंबर वार होगी, परंतु उनको भगवान नहीं कहा जाता है। भगवान उनको कहा जाता है जो सदैव ही निराकारी स्टेज में रहने वाला है, सदा शिव कहा जाता है ना। अभी तुम समझते हो हम ही सतो प्रधान देवता थे, विश्व के मालिक थे, इतने 500 करोड़ मनुष्य थे ही नहीं, उस समय सिर्फ भारत में ही राज्य होगा और बाकी सभी आत्माएं शरीर छोड़ करके चली जाएंगी। शांति धाम जाएंगी ना, और ये भी सभी तुम आगे चल करके देखेंगे, और ये सब कुछ अंत में देखने के लिए बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। इतने साफ चले जाएंगे सिवाय एक धर्म के और कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ भी नहीं रहेगा माना, जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं वो नई दुनिया में बचेंगे क्या? वो भी नहीं बचेंगे, सिर्फ भारत ही रहेगा। भारत माना, भारत माना रोशनी, और रत माने लगा हुआ, जो सिर्फ ज्ञान की रोशनी में लगे रहने वाली आत्माएं हैं वो ही बचेंगी। अमर होंगे भी तो पहाड़ ही होंगे, और बर्फ से शायद पहाड़ भी ढक जाते होंगे। अगर जल में ही कहें तो क्या इतने ऊंची ऊंची पहाड़ियां हिमालय आदि किया ये सब चले जाएंगे? क्या इतना ऊंचा पानी चढ़ जाएगा? वहां तो तुमको कहां पहाड़ों आदि पर जाने की भी दरकार नहीं रहती। ऐसे भी नहीं है कि तुम कहां घूमने जावेंगे,
हाँ अभी जाने की सरकार नहीं, और वहाँ कोई भी एक्सीडेंट आदि भी नहीं होता, वो है ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड, स्वर्ग पैराडाइज कहा जाता है, शास्त्रों में उसका गायन है। इस दुनिया में तो 7 वंडर्स दिखाते हैं, नसीब में कीर्ति कला के कितने नारायण हैं? 7 नारायण, 7 नारायण हैं, तो 7 वंडर्स भी दिखाए गए हैं। सूर्य के रथ में कितने घोड़े दिखाए गए हैं? 7 घोड़े दिखाए गए हैं, परंतु ये सब है मायावी, और ईश्वरीय वंडर है स्वर्ग। ईश्वर ही तो है जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, वो ही ऐसे वंडरफुल लोक की रचना करता है। अभी वो स्वर्ग का वंडर नहीं है, जब स्वर्ग का वंडर नहीं रहता है तो माया के वंडर तो बनते हैं। ये बातें मनुष्य समझ नहीं सकती। जब बहुत मजबूत हो जाते हैं तब कुछ सुनने लायक बने। अभी तुम तो स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? स्वर्ग में जाने का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? स्वस्थिति में रहना, वो है सुख की चोटी, टावर। अभी तो है दुख की चोटी। लड़ाई में कितने मरते हैं? ढेर मरते रहते हैं। सारी दुनिया में तो 5-7 लाख जरूर रोज मरते होंगे, और फिर जन्मते भी हो, जाती भी हो सकते हैं। गाया भी जाता है, ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता। अब ईश्वर तो हुआ बिंदी, उनका अंत क्या पावेंगे? बाप कहते हैं संरचना के आदि मध्यंत को कोई नहीं जान सकते, साधु संतादि कोई भी सरचेता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं पा सकते। तुमको तो बाप पढ़ाते, उसको पढ़ाई कहा जाता है। अब बिंदी का अंत क्या पावेंगे? बाकी शशि चक्र के राज को अभी तुम जान रहे हो? ये तो कहते हैं हम नहीं जानते, या तो फिर लाख वर्ष कह देते। तुमको अभी बाप ने समझाया है, तुम जो कुछ भी वहां देखते हो, यहाँ इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो फिर रहेगा नहीं, रहेगा स्वर्ग जो है टावर ऑफ सुख। सुख की ऊंची से ऊंची चोटी है, नौ दो और शक्तिवाणी का तीसरा दिन, और इस दुनिया में तो दुख ही दुख है। अचानक मौत आवेगा, सभी खत्म हो जाएंगे। ऐसी मौत देखना माथी का घर नहीं है, इनको दुख की चोटी कहना पड़े, और वो हुई सुख की चोटी, दूसरा कोई अक्षर नहीं है।
और कोई इस सुख की खुशी को थोड़े ही जानते। तुम्हारे में भी बहुत है जो सुनते फिर भूल जाते। ये नॉलेज धारण तब होगी जब बुद्धि गोल्डन एज होगी। धारणा नहीं होती है तो खुशी भी नहीं रह सकती। एकदम हाईएस्ट पढ़ने वाले भी हैं तो लोएस्ट पढ़ने वाले भी हैं। पढ़ाई में भी फर्क तो होता है ना। कितना भी बेहद का बाप समझावे परंतु कब नहीं समझे। याद के बगैर तो तुम कभी प्योर नहीं बन सके। बाप ही चकमक है और वो एकदम हाईएस्ट पावर वाला है। ऐसी हाईएस्ट पावर वाला है कि उनके ऊपर संग के रंग की कट चढ़ ही नहीं सकी। बाकी तो सभी की कट चढ़ती है। कट को उतार करके फिर सतो प्रधान बनना है। बाप कहते मामे कम याद करते रहो। और कोई में ममत्व तो नहीं रखो। अगर औरों में ममत्व तो रखेंगे तो क्या होगा। उनकी कट तुम्हारे में चढ़ जाएगी। साहूकारों को सारा दिन धन दौलत ही सामने आती रहेगी। गरीबों के पास तो कुछ है ही नहीं। परंतु गरीब भी कुछ समझो हो ना जो धारणा भी कर सके। याद के बगैर कचरा कैसे निकलेगा। हम प्योर कैसे बनेंगे। यहाँ तुम आए ही हो ऊंचते ऊंचे चोटी पर जाने के लिए। तुम जानते हो हम बाप की शिक्षा पर चलने से ही ऊंचे सुखी चोटी पर जावेंगे। वो है टावर ऑफ सुख। सुख का सागर कहा जाता है ना। परंतु उस चोटी पर पहुंचने में मेहनत है। बाप आए ही है टावर में ले जाने के लिए। तो कीमत पर चलना पड़े। पहले नंबर में इनका ही गायन है। वो लक्ष्मीनारायण एकदम टावर में होंगे। फिर जो भी होंगे वो नंबर वार कुछ न कुछ कम होंगे। नई दुनिया को ही टावर ऑफ सुख कहा जाता है। और वहां मैले आदि की कोई चीज होती नहीं है। ऐसी वहां मिट्टी ही नहीं होती जो मैला हो। और न ऐसी वहां हवाएं लगती हैं जो मकानों को खराब कर दें। कचरा वहां होता ही नहीं है। तो स्वर्ग की तो शास्त्रों में बहुत महिमा है। उसमें जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। ये लक्ष्मीनारायण कितने ऊंचे हैं। इनको देखने से ही दिल खुश हो जाती है। आगे चल करके बहुतों को साक्षात्कार होती रहेंगे। शुरू में कितना साक्षात्कार होता था। कितना बाबा ने जलवा दिखाया। ताज आदि पहनकर आते थे। वो चीजें तो यहाँ मिल भी नहीं सकी। बाबा तो जवान ही है। आगे जो 50,000 में मणि लेते थे वो अभी 50,00,000 में भी कहीं नहीं मिलेगी। होंगे ही नहीं कहीं।
मौत करके राजा ने लोग सेफ्टी के लिए विलायत में भेज देते हैं, और पैसे तो सभी के विलायत में है, देर के देर। भारत में तो कुछ भी नहीं है, अभी उधार लेते रहते हैं। अगर कर्जा का हिसाब निकालो तो कितने मिलियंस हो जाते हैं। तो अभी तुम बच्चे स्वर्ग के लिए पूछताछ कर रहे हो, वहाँ अथाह सुख होगा, बाप इतना उच्च पढ़ाते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। रात और दिन का फर्क पड़ जाता है, कहाँ राजा रानी कहाँ मेहतर आदि। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं पढ़ाते हैं कुछ समझते हैं वो छिपे नहीं रह सकते। जैसे कहेंगे बाबा हम फलानी जगह जावे, वहां जाकर के समझावे, परंतु अभी वो समय आया नहीं है। जब समय आएगा तो फिर बहुत ढेर सर्विस करेंगे। सर्विस तो ढेर पड़ी हुई है ना, ये दुनिया तो जैसे जंगल है और जंगलों में बंदर हैं, ऐसे जंगल को मंगल बनाना है। कितनी यथा सर्विस है, रोटी टुकड़ भी खाने को ना मिले तो कोई परवाह नहीं। धंधे वाले लोग ऐसा करते हैं, खाने की भी उन्हें फुर्सत नहीं। अच्छे ग्राहक आ जाते हैं तो फिर खाया ना खाया ये बागी, धन कमाने का होना रहता है ना। और यहाँ तो तुमको बेहद के बाप से अथाह धन मिलता है, बल टाइम पड़ा हुआ है, परंतु कल शरीर छूट जावे तो क्या होगा, इस पर भरोसा थोड़ा ही है। देर के ढेर पुरुषार्थ करते रहते हैं, विनाश तो होना है तुम्हारे लिए। तो मिर्वा मौत मनु का शिकार, तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं है। बेअंत खुशी तुमको होनी है, परंतु बहुतों का कल्याण भी तुमको करना है। पिछाड़ी को कर्मातीत अवस्था होनी है, याद करते करते रे अशरीरी बन जावेंगे। जब अशरीरी बन जावेंगे तो अनायास ही उड़ने लग पड़ेगी, परंतु इसमें बड़ी मेहनत है। कोई तो बहुत सर्विस करते रहते, दिन प्रतिदिन सर्विस बहुत बढ़नी है। ये एक म्यूजियम थोड़े ही पूरा होगा, सैकड़ों लोग तुम्हारे पास आवेंगे, उनको फुर्सत नहीं मिलेगी। सबसे जाती तुम्हारी दुकान निकलेगी। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की तुम्हारी दुकान सबसे जाती निकलेगी, इनकी नहीं निकलेगी। इनकी माना ब्रह्मा बाबा की और ब्रह्मा कुमार कुमारियों की इतनी बड़ी दुकान नहीं निकलेगी, लेकिन इससे भी बड़ी दुनिया में तुम्हारी दुकान निकलेगी। सब समझ जावेंगे इन बगैर तो कोई काम की चीज नहीं है। बाबा ये राधे कृष्ण का जो जन्म होगा उसमें बाहर की दुनिया जो है सात वास्तव थोड़ी ये भी रहेगी या केवल ये भी रहेगी कि नहीं रहेगी समय। बाबा ने तो बोला पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं होता और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता। तुम्हारी बात का जवाब क्या हुआ? दुनिया बाहर वाली नहीं रहेगी। बाहर वाली दुनिया रहेगी तो बाहर की दुनिया वालों की संख्या ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। और बहुत ज्यादा है या थोड़ी बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है।
तो दुनिया के वाइब्रेशन सुधरेंगे या खराब होते रहेंगे? होते हैं। बड़े बड़े असुर बैठे हुए हैं दुनिया में और उनके वाइब्रेशन इतने तीखे चलते हैं, दुष्ट वाइब्रेशन। उन दुष्ट वाइब्रेशन के मुकाबले थोड़े से मुट्ठी भर देवताओं के वाइब्रेशन काम करेंगे हैं? नहीं करेंगे। तो जवाब मिल गया? क्या जवाब मिला? जब सचिव के राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होगा तो ये पुरानी दुनिया खलास खलास होनी जरूरी है। अगर ये दुनिया खलास नहीं होगी तो गंदे वाइब्रेशन खलास नहीं हो सकते, और दुनिया के गंदे वाइब्रेशन खलास नहीं होंगे तो पांच तत्व भी सतो प्रधान नहीं बनेंगे। जितने जितने पांच तत्व सतमो प्रधान बनते जा रहे हैं दुनिया के वाइब्रेशन से, उतना उतना दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है। बाबा मुझे यह है कि बुद्धि का परिवर्तन वहाँ से होगा जहाँ बाप ने योग लगाया है, तो हमेशा बाप को वहाँ याद करेंगे या बाबा को यहाँ देख रहे हैं बाबा से मुझे कैसे मुझे थे ऐसे याद करेंगे कि वहाँ याद कैसे करेंगे? मुरली का वाक्य पढ़ रहे हो या अपने आप मिक्स करके सुना रहे हैं? नहीं, मुरली से तो नहीं लिखे अपने दिल से, तो मिक्स हो जाता है। ये हुआ जहाँ उनको याद वहाँ करना है जहाँ आप जाना है, ये बात। बुद्धि का परिवर्तन वहाँ से होगा जहाँ बाप ने योग लगाया है। हाँ, तो बाप ने योग कहाँ ज्यादा लगाया? कंपनी में, कंपनी में ज्यादा योग लगाया। उससे पहले बेसिक नॉलेज में नहीं था। जब बेसिक नॉलेज जो बाप है, बाप का पार्ट है, वो पहले बेसिक नॉलेज में था कि पहले एडवांस में था? बेसिक में था ना, तो उस समय योग नहीं लगाया होगा। लगाया होंगे तो है? लगा होगा उसमें जो है उसको भी लगाया होगा बाप को। बाप को पहचानता था उस समय जब बेसिक नॉलेज में था प्रजापिता, तो उस समय वो बाप को पहचानता था। बाप की प्रत्यक्षता कौन से साल से हुई? 76 से हुई, और 76 से पहले बेसिक नॉलेज में था तो उसे पहचानता था। जब पहचानता ही नहीं था तो योग किससे लगाया? अधूरा योग हुआ। जो बाबा ने बोला आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से ठीक हो गए, तो 76 से डायरेक्ट बाप प्रत्यक्ष होता है, तभी तो याद किया जाएगा। उससे पहले तो डायरेक्ट बाप प्रत्यक्ष ही नहीं था, प्रत्यक्ष ही नहीं था तो याद किसे करना? बाबा एक बात ये है, जो मुरली राष्ट्रीय पति बनने से सब पति बन जाते हैं, पावन बनने से सब पावन पावन इस दुनिया में सबसे पतित कौन बने हैं? पुरुष ज्यादा पतित बने हैं कि माताएं ज्यादा पतित बनी? पुरुष ज्यादा पतित बने। पुरुष दुर्योधन दुशासन है, लेकिन माताओं को ज्यादा नीचे गिराया है। क्या माताओं की बुद्धि ऐसी बना दी है कि जैसे कोई अंधश्रद्धालु होता है? हाँ, माताओं की भी माता है जगदम्बा, तो सबसे जास्ती नीचे गिरती है। तो जो सबसे जास्ती नीचे गिरती है उसको सबसे पहले ऊंचा उठाना है या कोई दूसरे को पहले ऊंचा उठा देंगे? है हाँ, तो दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार हो जाता है। पहले जो नीचे पहले गिरा है उसको पहले नीचे उससे ऊपर उठना है, एक है, इसलिए ब्रह्मा को आगे रखते हैं। और ब्रह्मा बाप का बच्चा है कि नहीं?
एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बनते हैं। आपकी बुद्धि में तो बैठ गया गीता का भगवान कौन, बैठ गया ना, है बैठ गया। फिर उनकी बुद्धि में बैठ गया तो किस लिए रुका हुआ है, सृष्टि का परिवर्तन किस लिए रुका हुआ है, तो ब्रह्मा के लिए रुका हुआ है ना। ये ब्रह्मा मेरा सिकिलदा बच्चा है। इस सृष्टि में जब नई सृष्टि बनेगी तो नई सृष्टि में पहला पत्ता कौन होगा जो सबसे जास्ती पवित्र माना जाएगा, कृष्ण ही माना जाएगा नई सृष्टि में। तो जो पहले पावन बना है वो ही सबसे पहले पति भी बनता है। ग्रुप माने नया संगठन, एन माने नया, एस माने संगठन। एडवांस की जब शुरुआत हुई थी तो पुराने सादरा से हुई थी, कहाँ से, पुराना सादरा, ओल्ड सादरा है दिल्ली में। हाँ, तो जहाँ से शुरुआत हुई है वहीं से अंत होगा। शुरुआत कहाँ से हुई थी, है सादरा से, वो पुराना सादरा था, फिर नया सादरा होना चाहिए, उसका नाम ही है शाहों का दड़ा। तो एनएस उसका नाम रख दिया है, नया सादरा। एडवाइजर पार्टी है, एडवाइजर पार्टी माने जो एडवाइस दे, एडवाइस कौन देता है राजाओं को, राजाओं को मंत्री एडवाइस देते हैं। जो एडवाइस देते हैं मंत्री वो पवित्र बुद्धि होते हैं या पतित बुद्धि होते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं उनको मंत्री बनाया जाता है या दूसरों को महामंत्री बनाया जाता है, है? जो पवित्र बुद्धि माने जाते हैं उन ब्राह्मणों को मंत्री बनाया जाता है। तो ये परंपरा कहाँ से शुरू होगी, ये परंपरा कहीं से तो शुरू हुई होगी, कहाँ से शुरू हुई, संगम से शुरू हुई। बाप जी जब आते हैं तो रुद्रमाला के तो राजाएं हैं, है? जन्म जन्मांतर की पति बुद्धि है या पावन बुद्धि है, है? जो राजाएं हैं जन्म जन्मांतर के पतित हैं या पावन है, पतित बुद्धि है, पावन है, पावन तो नहीं है, पतित है। तो उन पतितों को एडवाइजर्स कैसे चाहिए, पवित्र बुद्धि चाहिए या पतित बुद्धि चाहिए, पवित्र बुद्धि चाहिए। ये तो है ही सब लंगड़े, तो लंगड़ों को क्या चाहिए, भले अंधे हो लेकिन पवित्रता में बुद्धि शुद्ध हो, तो ऐसी विजय माला चाहिए। विजय माला एडवाइजर पार्टी है, ऐसी एडवाइस देगी जैसी बुद्धि होगी वैसी ही एडवाइस देगी या दूसरी तरह की देगी, है? जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं हैं भारत की रानियां या भारत के राजा हैं, रानियां भारत के राजाओं ने तो लुटिया डुबोई है। बीके में, बीके में ग्रुप बनेंगे क्या, वहां तो ग्रुप है ही पहले से ही ग्रुप है। सूर्यवंशियों को छोड़ करके चंद्रवंशी से लेकर के इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन सब वंश के वहां मौजूद है, पहले से ही मौजूद है। कहाँ, बेसिक में, एडवांस में, अपना भाई जहाँ आप चंदन नगर बता में एक बार आप गए हैं वहाँ पर हम गया था, तो भाई बता रहा है की अभी एक आदमी एक क्लास में चलने वाले क्लास में गया तो एक भी आदमी नहीं था, बोले सब आदमी पैसा करने से करके जो पटेल है ना, क्या नाम है इसका, पटेल सब आत्माओं को लेके खोल गया। उसे लूटने की क्या दरकार, वो तो ऐसे खुद ही है, बड़ा वकील है,
विदेशी कंपनी आती है 30-30 करोड़ के मामले को लेकर के कोर्ट में, तो उनसे 10% दे लेता है, 3 करोड़ वो ले लेता है, एक ही केस में एक बार में 3 करोड़ ले लेता है, उसे दूसरे फैसले नहीं किया दरकार। वो तो कहता है हम अपने ही तन मन धन से अपने लिए विश्व की बादशाही स्थापन कर रहे हैं, हम दूसरों से पैसा क्यों लें। नसर पटेल नहीं कर वो तो पैसा सब तो पैसा देगा ना, पैसा लेगा तो नहीं तो पैसे से खरीदे हुए कितने कितने श्रद्धा विश्वास वाले होंगे। जो पैसे से खरीदे जाएंगे मजदूर की तरह, वो कितने श्रद्धा विश्वास वाले होंगे भगवान के लिए। हाँ, नहीं बीके से एडवांस में निकले, ये जितनी भी पार्टियां निकली हुई है एडवांस में, अलग 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 बातों को अलग अलग संगठन बनाने वाली, वो सब एडवांस में भी आए। एडवांस में आकर के उन्होंने निश्चय पत्र भी लिखा, और निश्चय पत्र लिखने के बाद फिर फ्रंट में चले गए, विरोधी बन गए, और विरोधी बन करके फिर अलग अलग संगठन स्थापन कर रहे हैं। सब बनेंगे, ढेर सारे भगवान निकले तभी तो बुद्धिमानों की बुद्धि के बच्चे कौन है वो पहचान होगी। सूर्यवंशी बच्चे कौन है वो पहचान कैसे होगी। याद बैठता हूँ तो बाबा चेहरा आया था, सब तरह आनंद आने लग जाता है, जो कुछ बात और करना चाहता है कुछ हो जाता है, इसी क्या मेरे अंदर कमी है जैसा हो जाता है। मैंने बाबा से बात नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाता हूँ। प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो जाता है। क्या ऐसा जुलूम ढाते। हाँ जी मामा, ये विष्णु का पाठ कब से शुरू होने वाला है। बहुत विष्णु का पाठ शुरू हो गए, दक्षिण भारत में एक अलग विष्णु है, वो युगल है, उन्होंने अपने विष्णु घोषित किया हुआ है, और अहमदाबाद में अलग विष्णु है, और सच्चे और झूठे की पहचान क्या होगी है। सच्चे और झूठे की पहचान कैसे हो है? बाबा ने विष्णु की परिभाषा क्या बताई है? अच्छा, अब वो विष्णु एक व्यक्तित्व होगा विष्णु के रूप में पार्टधारी विशेष, या चार आत्माओं का कॉम्बिनेशन है, चार पांच आत्माओं का कॉम्बिनेशन है उनमें से कोई एक तो ऐसा होगा जिसमें विष्णु के संस्कार सबसे जाती हो। ब्रह्मा के 5 रूप दिखाते हैं, विष्णु के 4 हाथ दिखाते हैं, 5वां बुद्धिमती हाथ, तो उन 5ों में से कोई में तो ब्रह्मा के संस्कार ज्यादा होंगे, कोई में विष्णु के संस्कार ज्यादा होंगे, कोई में शंकर के संस्कार ज्यादा होंगे। तो ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जिसमें विष्णु के संस्कार सबसे जाते हैं? नो विषय काल। हाँ जी, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है जो पहली अव्यक्तवाणी के अंत में बोला है, मूल व्यक्तित्व जिसके लिए बोला है कि तुम बच्चों को विजयमाला का आवाहन करना है। तुम बच्चे कैसे किसकी तरफ इशारा करते हैं,
तुम बच्चे, तुम बच्चों को विजय माला का आवाहन करना है। तुम बच्चे किसको कहा? सामने, सामने वाले बच्चे रुद्र माला के मणके हैं या विजय माला के मणके? बाप किसको पढ़ाते हैं? रुद्र माला के राजा बच्चों को पढ़ाते हैं, रानियों को नहीं पढ़ाते। रानियों को तो फिर भी आधीन रहना पड़े, लेकिन पढ़ाते किसको है? राजाओं को पढ़ाते हैं। भले उन राजाओं में जन्म जन्मांतर का पतित पना भरा हुआ है, फिर भी बाप ये नहीं देखते हैं कि ये पतित है। क्या देखते हैं? इनमें हिम्मत कितनी है। क्या हिम्मत है बच्चे? मदद है बाप। विजय माला के मणकों में हिम्मत नहीं है तो उनका नाम दिया बकरी। मुरलिम बोला है त्रिमूर्ति के चित्र में वास्तव में एक घोड़ा है, एक बकरी है और एक शेर है। तो जिसको शेर नाम दिया उसमें ज्यादा हिम्मत होगी या बकरी में ज्यादा हिम्मत होगी? बकरी को तो जिसने कान पकड़ ली बस उसी की बनके रहेगी, और घोड़ा तो घोड़ा ही होता है, कभी आगे जाएगा कभी पीछे आएगा। शेर शेर ही होता है। तो मेरे बच्चे कौन से, कैसे बच्चे हैं? शेर बच्चे हैं। माने मेरे बच्चे जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बनने वाले हैं वो बहुत हिम्मतवान बच्चे हैं। ये नहीं देखता हूँ कि ये कितने पतित हैं। क्या देखता हूँ? ये कितनी हिम्मत वाले हैं। तो वो है रुद्रमाला, और रुद्रमाला में भी नंबर वार है। कोई किस धर्म के बीज, कोई किस धर्म के बीज, कोई किस धर्म के बीज, हर धर्म के अलग अलग बीज है। तो फर्स्ट क्लास कौन से हुए? सूर्यवंशी फर्स्ट क्लास हुए। कृष्ण कौन से वंश का होता है? कृष्ण है सूर्यवंशी। दुनिया की बात छोड़ो, मुरली में क्या बोला? कृष्ण सूर्यवंशी और राधा चंद्रवंशी। कैसे? ब्रह्मा को चंद्रमा कहा, और चंद्रमा किससे रोशनी लेता है? सूर्य से रोशनी लेता है। कब ली ब्रह्मा ने सूर्य से रोशनी? आज मिली। आज में ब्रह्मा को भी ज्ञान देने वाला कोई और था, ज्ञान का बीज आरोपण करने वाला कोई और था। माँ में बीज आरोपण किया जाता है ना, तो वो प्रजापिता ये व्यक्तित्व तो था जिसके लिए मुरली बोला ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन के बैठते थे। तो वो हुआ सूर्य और ब्रह्मा हुआ चंद्रमा। तो सूर्य के सूर्यवंशी बच्चे और चंद्रमा के चंद्रवंशी बच्चे। तो बेसिक वाले कौन है और एडवांस वाले कौन है? है जो आज में थे, मध्य में गुप्त हुए और अंत में फिर लास्ट तो पास चले गए। जिनके लिए बोला अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। अंदर वाले माने ब्रह्मा के अंदर में रहने वाले, आश्रमों में सरेंद्र होकर के जो रहते थे वो अंदर वाले हुए, वो अंदर का किले का परकोटा हो गया। और बाहर वाले वो जो अंदर तो नहीं रहते थे, सरेंडर होके नहीं रहते थे, लेकिन घर गृहस्थ में रहते। तो अंदर वाले रह गए और बाहर वाले जितने भी घर गृहस्थ वाले प्रसाद करने वाले थे वो ही निकल रहे हैं एडवांस में, और सरेंडर होकर रहने वाले ज्ञान में एडवांस में नहीं निकल रहे। तो सेंटर पे जो रहने हैं मेरी बहन तो कहती है कि सब जो पतित आत्माएं हैं वहाँ जो जाती हैं, सब जो है पतित हैं, एक भी वैसे नहीं है वो पतितपना है। तो कहो भगवान पतितों को पावन बनाने आता है या पावन को पावन बनाने आता है, सन्यासियों को पावन बनाने आता है? भगवान किसके लिए आता है? पतितों को पावन बनाने के लिए आता है। तो अपने को पतित समझना कोई पाप कर्म हो गया क्या? हमारे गाना गाते बजाते हैं तो उन लोग को मतलब बहुत हम बताया कि बाप ऐसा कि उन्होंने पूछा कि
शंकर भगवान तो भगवान है, तुम किसको मानते हो? हम बोले हम भी उन्हीं को मानते हैं, उनके आगे कोई शक्ति तो है ना? तो बोले क्या शक्ति उनके आगे है? हम बोले भाई उनके आगे शक्ति नहीं होती, वो तो शरीर वाले हैं, और जो शक्ति है वो बिना शरीर का है, निराकार है। तो वो जो बोले हमारे मछिया में हमारी मंजिली जहाँ गाती है वहाँ तुम आओ, तुम वहाँ क्या है, वहाँ जब जाए ना तो चार बोल सब लोग हमार करते हैं, कोई इधर बता ये क्या है वो क्या है, हम बोले भाई हाँ बच पाएगा खींची खींचा करोगे तो उसमें क्या है। मंडली में जाके बैठे आदमी कायदे से बतिया सुने तो ठीक है, हम बोलो शंकर भगवान के आगे कोई शक्ति तो है, अगर शक्ति नहीं होती तो इस संसार कैसे चलता, भगवान किसको ध्यान करते हैं सब भाई, मुझसे शंकर भगवान निकलना ही नहीं चाहिए। वो बोले नहीं शंकर भगवान ही भगवान है, कोई कल्याणकारी हमारे मुँह से तो नहीं निकलना चाहिए, शंकर भगवान है। उनको शंकर तो महादेव है, देवता है, देवता और बड़ा देवता है, लेकिन भगवान भगवान नहीं है। खुद ही उल्टा उनके तरीके से बोलने शुरू करते हो तो मन तो वो शक्ति को मानने के लिए तैयार नहीं थे बाबा को। तो फिर मंजिली में बुला करके चारों बाजी से हमारे करने लगते हैं हमको, हम बन गए करने के उपाय संगठन में भोजन चल सकता है संगठन में खाना भी नहीं देखा जाता है कि आदमी दूर से आया है, ऐसे तो ये ध्यान देना चाहिए कि हम नज़दीक से आते हैं, गांव से आते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो सुबह को 10 बजे ऑफिस में जाते हैं, खाना खा के जाते हैं, नहीं शाम को 5 बजे लौटते हैं, 4 बजे लौटते हैं तो घर जाके खाना खाते हैं कि नहीं है, जाते हैं 12 बजे लंच भी लेके जाते हैं। चलो यहाँ लंच लेके जाने की बात नहीं है और यहाँ बार बार खाने की भी बात नहीं है, बाबा ने तो कहा कि पोता मेल में लिखो कि हम कितनी बार खाना खाया, इसका मतलब वो भी बाबा हमको करना चाहते हैं, ऐसे तो नहीं खाना खाऊं 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 सुबह शाम तक लगा रहता है, सुबह और शाम 2 बार खाना काफी, हर समय खाना खाने की जरूरत है। तो दुनिया भी लोगों की बातें हैं, ब्रह्म कुमारी में चाय भी पियो फिर नाश्ता भी खाओ फिर ये दोपहर का भोजन खाओ फिर नाश्ता करो फिर रात में खाना खाओ, बस सारा दिन खाऊं खाऊं लगा रहे। इच्छा है तो खिला नहीं सकते हैं मना सकते हैं, अब फिर यही परंपरा चल पड़ेगी, धामा खाने वाले सारे बन जाएंगे। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा धामा खाने का लक्ष्य है या हमारा ज्ञान का लेन देन करने का लक्ष्य है? हाँ तो ज्ञान का लेन देन करने का लक्ष्य है, धामा खाना और खिलाना ये तो हम 63 जन्म करते चले आए। बहुत बहुत कुछ होता है, बाहर से लोग आते हैं, दूर से आ जाते हैं, दोपहर हो जाता है, क्लास हो गया 3-4 घंटे का क्लास हो गया, देर हो गई, उन्हें दूर जाना है तो खिचड़ी खिला देना चाहिए, खिचड़ी में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, खिचड़ी बनाने में कितना टाइम लगेगा, कुकर आजकल जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है। फल फूल फिर वो बात, फल फूल तो गरीब आदमी तो खरीद नहीं सकेगा, फिर भरपूर करो, फिर जो पैसे वाला हो कहेगा रबड़ी मलाई लड्डू पेड़ा हम इसकी खिलाएंगे, वो ही नहीं बाबा। हम लोग अभी कटिहारी में सेवा के लिए गए थे, एक भाई से बात हमें लगी है। तो कह रहा है कि वहाँ से बहने और दादियाँ कहती हैं कि वहाँ जो है फरुखाबाद में एडवांस पार्टी है, वहाँ वो खिचड़ी में कुछ खिला देता है लोग, अब बुद्धि जो मार देते हैं है। तो अभी सेवा हुई थी तो हम कहते अरे आप कहा जा रहा है एडवांस के लिए, यही तो दिल्ली में था कि ब्रह्मा कुमारी ने आँख में सुरमा लगाती थी, वही बात यहाँ चल रही है कि यहाँ बाप का पार्ट है तो यहाँ कुछ खिलाया थोड़ी जाता है, अरे वहाँ तो बाप को पहचानना है कि बाप कौन है, तो मानने से आने के लिए तो तैयार है हम लोग, अतवार संगठन जो महीने का है वो महीने के संगठन में बुलाए हैं तो आने के लिए 4-5 आत्माएं तैयार हैं। ठीक है, अभी तो आप प्रश्नों का समाधान कर लो जो वो पूछते हैं और आप जवाब देने में लटपटाते हैं। बाबा चंद्रवंशी ब्रह्मा माने चंद्रमा नहीं है, ब्रह्मा सूर्य है या चंद्रमा है, चंद्रवंशी नहीं, वंशी तो उसे कहा जाता है जो जिससे जन्म ले, रघुवंशी माने राजा रघु से जिसने जन्म लिया वो रघुवंशी हुआ, सूर्यवंशी माने जिसने सूर्य का प्रकाश
सूर्य किसी से प्रकाश प्रकाश लेता नहीं है, वो देता है। सूर्य जी है, सूर्य जी कैसे हुआ? कृष्ण को सूर्यवंशी, ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला कृष्ण सूर्यवंशी होता है क्या? ब्रह्मा को चंद्रवंशी होता है, ब्रह्मा को चंद्रवंशी कहेंगे, वंशी नहीं है, खुद वो चंद्रमा ही है। सब मुरलियों में है ज्ञान चंद्रमा, सब मुरलियों में बताया गया है कि ब्रह्मा चंद्रमा है, दोनों एक ही आत्मा है, ब्रह्मा आत्मा एक है, लेकिन अंतिम जन्म में आकर के ब्रह्मा चंद्रमा है। जो सत्युग में कृष्ण पैदा होगा वो तो सूर्यवंशी होगा, सूर्यवंशी आत्मा ही चंद्रमा। आत्मा जो है जब शरीर धारण करती है तब वंश बनता है कि पहले से वंश बनता है? हैं? तो जब यज्ञ के आदि में ब्रह्मा ने जो तन धारण किया वो तन धारण करके किसी से ज्ञान लिया या नहीं लिया है? इसीलिए जिससे लिया वो हुआ सूर्य, और जिसने लिया और फिर आगे काम चलाया और अपनी रहबरी में सितारों को पाला वो चंद्रमा हुआ। चंद्रमा की रहबरी में कीड़े मकोड़े भी पले, पले कि नहीं पले? चंद्रमा की रहबरी में कीड़े मकोड़े पले या नहीं पले? शांति से पले। और सूर्य की रहबरी में कीड़े मकोड़े अंत तक पलने वाले नहीं है, बिलबिला के भागेंगे। हाँ जी, तो कृष्ण है सूर्यवंशी। कौन सा कृष्ण? सत्युग का कृष्ण या संगमयुगी? वो कृष्ण जिसके साथ कंस दिखाते हैं, संगमयुगी कृष्ण, वो कृष्ण है सूर्यवंशी। और राधा है चंद्रवंशी। तो चंद्रवंशी जो राधा है उसके लिए बताया कि वो राधा चंद्रवंशी जो शीतल स्वभाव की है, जो शीतल होता है उसमें ज्यादा विकार होते हैं या जो गर्म होता है उसमें ज्यादा विकार होते हैं? गर्म बुद्धि होती है उसमें विकार ज्यादा होते हैं। ये रुद्रमाला है, ये सूर्यवंशियों की माला है, वो चंद्रवंशी है, वो ठंडे स्वभाव के हैं। बाबा हफ्ते में संगठन हम लोग कर सकते हैं? सकने की क्या बात है, संगठन तो करना ही चाहिए, लेकिन आपस में सबकी सहमति होना चाहिए। ये ना के वो भाई बोल गया कि को बाबा का सिर मतना है कि नहीं ना मारे सबका ही संगठन हो। क्यों संगठन करना तो और अच्छी बात है, रोज तो क्लास करते नहीं, हम देख रहे हैं कि रेस कर सबके सब गीता पाठशालाओं के रेस कर ही काली है, साइन ही नहीं है। रोज जिज्ञासु जो साइन करें सब मुसलमान और क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं, तो कम से कम मन करो गिरजाघर और मस्जिद में जाने वाले ही बने, वो भी छोड़ देंगे है? सप्ताह सप्ताह जो मंदिर में जाते हैं और जो बिल्कुल मंदिर में नहीं जाते हैं तो अच्छे कौन है? सप्ताह में एक बार तो जाते हैं, छोड़ तो नहीं दिया है, नास्तिक तो नहीं बन गए। मतलब जैसे शाम को भी क्लास होता है तो हॉस्टल में कहा भी जाए या कुछ भी नहीं करा, क्योंकि आत्मा जो शाम को आती है सुबह नहीं आ पाती है, सुबह को नहीं आती, शाम को आ जाती है, साइन करते क्या अंतर पड़ता है? दोनों टाइम दोनों टाइम अच्छा दोनों टाइम साइन कर दो तो क्या अंतर पड़ेगा? साइन करने से कोई क्लास हो जाता है क्या? और बाबा माउंट आबू देखने उखने के लिए जा सकते हैं? देखने के लिए क्या, सेवा करने के लिए नहीं जा सकते? ऐसे तो बिना लक्ष्य के जाते हैं, तो बाबा ने कहा घूमना फिरना भूतों का काम है, कोई लक्ष्य लेकर के जाते हैं तो अच्छी बात है, लक्ष्य तो है ही हमारा नरसिंह नारायण बनने का। बाबा प्रकाश में दादी जो शरीर छोड़ी है तो उनको भी प्रवेश करके ही किसी न किसी, जब वो जिनको याद करती थी साकार रूप में, जिनको भगवान मानती थी, उनकी जो गति होगी उससे ऊपर गति हो जाएगी क्या है? नहीं हो जाएगी।
शंकर जी की गति, शंकर जी जिसको याद करते हैं उससे ऊपर गति हो जाएगी शंकर जी की, ऊपर जिसको याद करते हैं उसकी ऊपर गति, जिसको याद करते हैं शिव को, ज्योति बिंदु को, तो उससे ऊपर गति हो जाएगी उनकी, ज्यादा से ज्यादा बाप समान बन जाएंगे। शंकर का बाप कौन? शिव। तो अगर शिव को याद करेंगे तो शिव समान बन सकते हैं, बाप समान बन सकते हैं, इससे ऊंचे तो नहीं बन जाएंगे। ऐसे कुमार का दादी ने ब्रह्मा बाबा को याद किया, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और अचानक शरीर छोड़ा, अकाली मौत में शरीर छोड़ा, तो अकाली मौत में जो शरीर छोड़ते हैं उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, तो सूक्ष्म शरीर मिलेगा ना बाबा। रामेश्वरम में पुल बना था है, राम के समय में है, जो लंका पर चढ़ाई हुई है, जो भक्ति मार्ग का है, जो लंका में और भारत और लंका के बीच में जो रामेश्वरम है, जहाँ से वो उथला उथला समुद्र दिखाया गया है, तो वो भक्ति मार्ग की यादगार है। असली थोड़ा ही है पुल, असली पुल तो अभी बन रहा है एडवांस पार्टी में, जो पत्थर बुद्धि है वो तो पार्क बुद्धि बन रहे हैं, हल्की बुद्धि वाले बन रहे हैं, नहीं नहीं तो सोचते हैं कि अगर हम ज्ञान में ना आए होते तो हमने पता नहीं क्या कर दिया होगा, इतनी गुस्सा आती है। तो वो पत्थर बुद्धि अभी पार्क बुद्धि अर्थात हल्के बन रहे हैं, इतने हल्के बन रहे हैं, इनकी इतनी है हल्की बुद्धि होती है कि इधर भी क्लास करते हैं शांति से और उधर भी जाकर के सारी बात पहुंचा देते हैं, तो पुल हो गया ना ज्ञान का, यहाँ की सारी बात वहाँ पहुंच रही है ना, तो ये ज्ञान का पुल बन चुका। अब बाहर की दुनिया में लड़ाई चल रही है, राम सेतु तोड़ा जाना चाहिए, सरकार तो नास्तिक है, नास्तिक सरकार क्या चाहती है? राम सेतु तोड़ा जाना चाहिए, और जो आस्तिक है बाहर की दुनिया वो क्या चाहते हैं कि नहीं राम सेतु हम नहीं तोड़ने देंगे। अब ब्राह्मण दुनिया में भी यही हो रहा है, जो ज्ञान रत्नों का पुल बनाने वाले हैं वो चाहेंगे कि टूट जाए, नहीं वो तो कहेंगे और जल्दी जल्दी ज्ञान वहां पहुंच जाए सारा का सारा, ताकि सारे परिवर्तन हो जाए, वायुमंडल ही सारा चेंज हो जाए, है रावण जल्दी से जल्दी रावण के ऊपर विजय पाई ली जाए। तो हम क्या चाहते हैं कि राम सेतु बना रहे, बेहद का क्या बेहद का राम सेतु बना रहे, और वो जो माउंट आबू में बैठे हैं कंट्रोल करने वाले, क्या वो भी तो बेहद की गवर्नमेंट है ना, है अल्प बुद्धि, वो क्या चाहती है ये राम सेतु टूटे, गड़बड़ हुआ जा रहा है, है? वो अपने आश्रम में घुसने देना चाहते हैं, वो चाहते हमारे आश्रम में भी ना आओ, वो तो कहते हैं हमारे सेंटर में ही नहीं आओ, अगर तुम आ जाओ तो ज्ञान फैलेगा, हमारे सारे जिज्ञासा टूट जाएगी। उसको ये कह रहे हैं बाबा कि उधर जाना है कि इधर मत आओ, इधर जा रहे हो इसीलिए तो माना ज्ञान पुल टूट जाए, लेन देन ज्ञान का बंद हो जाए, बस अंधेरा कायम रहे, बाहर की दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो अंदर भी हो रहा है। दीदी आज हम सेंटर में चले गए थे लखनऊ से उतरे तो ही सुबह आश्रम चले गए, दिन था वहाँ बैठे के भोग लेता तो मना कर दी, रंजना दीदी है वहाँ रंजना होना के नाम है उनका, लेकिन इतना रंज होती है की ठीक से उनका नहीं है बोली, तो हमसे कहीं की क्लास होने की बात कहीं की निराला भाई आप आइए यहाँ मत आइए, अगर आइए तो किसी भाई को बहकाइए मत, उनका दीदी हमको बहकाने का प्रमाण कौन था, अरे जिस भाई को हमने आप बीके में कहा है पहले शुरुआत में 70-79 हो गए थे, उसी भाई को हम कहते हैं जो हम भाई मिलते हैं, उनके हम जाते हैं क्योंकि खान पान हमारा उनके यहाँ रहता है, हम जानते हैं उनके यहाँ शुद्ध है खान, इसीलिए तो उनका हम प्रमाण दे देंगे, हमने कहा प्रमाण का देंगे ठीक है, आप मना करती हैं तो नहीं आएंगे,
उन्होंने कहा नहीं बता। और सिंगलपुर सेंटर पर बच्ची गुरु जी है तो उन्होंने तो कहा नहीं निराला भाई आपके लिए खुला है दरबार, नहीं किसी को बहकाइएगा मत किसी अरे तो हमारे ऊपर भी तो ब्लेम लगा चुके हैं रो वो भाई जी डाल रहा है वो उसका काम जो जिसका जो काम है वो करेगा। बिच्छू का काम है डंग मारना वो डंग मारेगा, उनका काम उनको करने दो, आप अपनी बात बोलते जाइए हंसते हंसते। बीते गए थे बाबा तो एक झंडा देख करके बीते के माता जी थी गाजीपुर क्यों नहीं थी यहाँ क्योंकि भाई लोग की क्या भोजन करेंगे नहीं उन्हें यहाँ गए तो उनसे परिचय हुई खाने का नहाने का सोने का क्लास उसी गाड़ी का उसी समय उठा सब अपनी गाड़ी से हमको ले गए वो अच्छी था 56 किलोमीटर दिल्ली से दूर मिनी मत बस और दिखाए उखाए लेकिन हमें वहाँ मतलब इतना भक्का था इसलिए हम खुले नहीं खुले नहीं चुपचाप रहे आए। फिर उसके बाद धीरे धीरे सेवा बाबा की होती ही रहती है कहीं न कहीं सब जहाँ जाओ वहाँ सेवा के लक्ष्य होना चाहिए और सेवा के लक्ष्य से यहाँ जाते हैं क्योंकि भाई मुझे माउंट आबू जाए न जाए सेवा के लक्ष्य है तो जाओ। बाबा जैसे वहाँ जमीन मान टागुर में लेना चाहे किस माध्यम से ले सकते हैं अपने मान लीजिए कोई माध्यम तो है नहीं कोई खर्च है नहीं डायरेक्ट वहाँ तो ढेर है भी पीवी के जिन्होंने जमीन ले लेकर के मकान ले लेके रखे हुए अच्छा वहाँ पर है और क्या बाबा आश्रम का भी वहाँ कुछ है ली गई है आश्रम का भी है माउंट आबू में कुछ जमीनें ली गई हैं। हाँ ठीक है आश्रम खोलेगा तो तुम जाओ उसे वगैरह में उन्होंने हथियार दे के रखे हुए हैं कोई भेजे तो यहाँ पी दी के गला काटे अच्छी तरह से ठीक है टाइम हो गया अब चले फिर।